आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ग्राम उजियानी में दुर्गा देवी मेला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधान करण सिंह राठौर को बधाई दी और दुर्गा देवी मंदिर के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मेले हमारी लोक कला और संस्कृति व मेलजोल का प्रतीक है। उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि नेताजी का भी मेलों से बड़ा लगाव रहा है। नेताजी कई सालों तक लगातार मेलों में जाते रहे। आइए देखिए क्या बोले शिवपाल सिंह यादव। यहाँ सिंह मेला जिसमें मुझे तो बचपन से आने का मौका मिला और बहुत ही मेला ये जाना पहचाना है और ये जो मेला में देवी भगवानी मैया ये सिद्ध मंदिर है और इस मेला में कार्यक्रम भी होते हैं, नौटंकी भी होती होगी, राम मेला भी होता है तो कई कार्यक्रम होते हैं और मैंने तो बहुत कुछ इस मेला में पहले से देखा है। मथुरा की जो रासलीला आती थी और बहुत ही अच्छी अच्छी रासलीला होती और लगातार ये ऐतिहासिक मेला में आज तक हर वर्ष मेला लगता है और आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं, देवी मैया के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद मेले का आनंद भी लेते हैं और बहुत ही शांत तरीके से सभी कार्यक्रम होते हैं और एक दूसरे से मिलते भी हैं तो ये ऐतिहासिक मेला है। हमें खुशी है कि इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह से मेला का आयोजन किया है। मेला कमेटी ने, मेला अध्यक्ष और सभी मेला कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने और सभी लोग यहाँ पर आए थे और ये मेला लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत ही जनता के सामने परेशानियां हैं और परेशानियां में झेलते हुए संघर्ष करते हुए जो भी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी सब लोग मिलजुल करके रहते हैं लेकिन हमें भरोसा है कि ऐसे ही संघर्ष करते हुए फिर से कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि सब लोग आनंद से रहें। नहीं बिजली नहीं तो ये परेशानियां हैं। अगर देश सब समय पर ठीक होता, आलू की कीमत ठीक मिलती, गेहूँ की कीमत ठीक मिली होती, धान की कीमत ठीक मिली होती और इतनी महंगाई अगर नहीं बढ़ी होती तो मेरे सब मेले में आनंद ही दूसरा होता, सबके चेहरों पर खुशी होती। तो ये परेशानियां हैं लेकिन आप सब लोग सुना रहे हो जब जब समाज में या कहीं पर भी जुर्म बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है तो उस अत्याचार अन्याय के हार हुई है और निश्चित देख लेना कुछ समय बाद माहौल बनने लगा। अब इस बेईमानी भ्रष्टाचार के खिलाफ और जितने जितने झूठी बातें कही गई हैं उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। हमेशा अन्याय करने वालों का अंत हुआ। भगवान राम की विजय तभी तो हुई कि अत्याचार क्यों कर रहा था, रावण अन्याय कर रहा था, अत्याचार कर रहा था और तो हो सर जब रावण का अत्याचार खत्म हुआ है, जब रावण जैसे लोग खत्म हो सकते हैं, भगवान राम की विजय हो सकते हैं जो सत्य पर चलने वाले
तो निश्चित समाज में फिर और तभी जब सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो फिर नामराज तभी तो आएगा। किसी के साथ जब बेईमानी नहीं होगी, जबकि तुम मेहनत करते हो, उसका फल अगर सही से मिलेगा तब रामराज होगा। तो निश्चित आपको देवी मैया से हम तो सब लोग, और जहाँ तक अधीन बहुत सी बातें चल रही हैं राम के नाम पर, बहुत सी बातें चल रही हैं, और कैसे तरीके से राम राज आए, लेकिन राम राज बिना समाजवाद के नहीं आ सकता है। जब राम समाजवाद आएगा तभी राम राज आएगा, तभी समता और संपन्नता, बराबर की समता और संपन्नता जब तक नहीं आएगी, और जब बराबर की समता संपन्नता हर व्यक्ति के मिलेगी तभी राम राज होगा। लेकिन राम राज के नाम पर किस तरीके से बांटा जा रहा है, धन के नाम पर किस तरीके से, लेकिन जनता सब समझने लगी है। 9 साल में कितने वादे किए गए थे, लेकिन अब की बात किस तरीके से किसानों के सामने दिक्कतें आई हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, भ्रष्टाचार तो यहाँ तक पनप चुका है, बिना पैसे के कहीं पर भी अब कुछ काम हो नहीं सकता, न्याय नहीं मिल सकता। और जहाँ तक कि हमने तो देखा है कि जितने बड़े अधिकारी हुआ करते थे, IAS IPS कभी रिश्वत नहीं लिया करते, और जहां पर भी रिश्वत ली जाती थी उसे रोकते थे, लेकिन अब तो जब IAS IPS ही रिश्वत देने लगे हैं, तो भ्रष्टाचार फिर तो नीचे तक फैली जाए, और फैला हुआ है इस समय फैला हुआ है, और बिना पैसे के न्याय ही नहीं अब मिल सकता। तो ये समाज के सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, और किस तरीके से किसानों ने मेहनत करके अगर फसल पैदा कर भी ली, बिना खाद, खाद पर भी आपने देखा है आपके समय पर खाद भी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, और बिजली का कितना संकट और महंगी बिजली, आपने देखा था जब हम लोगों की सरकार रहती है तब कभी छापे नहीं पड़े, कभी जुर्माना नहीं होता, कभी FIR नहीं होती,